नमस्कार डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने लास्ट बॉल पर दिनेश कार्तिक के सिक्स की बदौलत शानदार जीत दर्ज की, लेकिन अब कुछ बातें सामने आ रही हैं जिससे आपको धक्का लग सकता है। आपको बता दें कि ये बातें सामने आ रही हैं कि ये पूरा टूर्नामेंट फिक्स था। यह जो चैनल है डी स्पोर्ट्स, ये भी दाऊद इब्राहिम का चैनल है। जी हाँ, डी स्पोर्ट्स दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का चैनल है। इस पर अक्सर पाकिस्तान के क्रिकेट मैच दिखाए जाते हैं। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं था और इसीलिए बांग्लादेश के मुस्लिम खिलाड़ियों को आगे दिखाने के लिए इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश को मैच जिताए गए। और जिस प्रकार के इस टूर्नामेंट में अंतिम अंतिम गेंद पर मैच जीते गए हैं, उससे तो यही लगता है कि वाकई में मैच फिक्स था। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि जो बातें सामने आ रही हैं कि टूर्नामेंट फिक्स था और ये चैनल दाऊद इब्राहिम का है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या बीसीसीआई को दाऊद इब्राहिम के चैनल को क्रिकेट के प्रसारण के हक सौंपने चाहिए थे या फिर बीसीसीआई को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।